आले मिलेगा। अब इसकी जो तस्वीर है धीरे धीरे साफ हो रही है और जितने भी नाम अभी तक सामने आए हैं उनमें कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि रिपीट होंगे और वाकई में वो रिपीट हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से न्यूज स्टेशन ने भी लगातार ये बात पहले ही रखी थी सामने की जो तमाम मंत्रालय है वो रिपीट हो सकते हैं, उसमें अश्विनी वैष्णव को मंत्रालय जो है वो दिया गया है, रेल मंत्रालय दिया गया है और ये भी सूचना आ रही है कि अश्विनी वैष्णव को पर भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया है और रेल मंत्रालय में तमाम प्रोजेक्ट चल रहे थे उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अश्विनी वैष्णव क्योंकि अच्छा काम कर रहे थे लगातार और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है उसको देखते हुए उनको रिपीट किया गया है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि पूरी पूरी लिस्ट जो है अब लगभग धीरे धीरे तस्वीर सामने आने लगी है कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री रहेंगी, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय उनको दिया गया है जो पहले भी था उनके पास, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री पहले भी थी, धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री रहेंगे, अश्विनी वैष्णव सूचना प्रसारण मंत्री और रेल मंत्रालय भी है, ये थोड़ा सा क्लैरिटी अभी कुछ ही देर में हो जाएगी, शिवराज सिंह चौहान के पास कृषि किसान कल्याण और पंचायती राज होगा, मनोहर लाल खट्टर के पास जो है शहरी विकास मंत्रालय और ऊर्जा रहने वाला है, जीतन राम मांझी जो है एमएसएमई सेक्टर जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए तस्वीर बिल्कुल लगभग क्लियर हो चुकी है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, ऐसी तमाम तस्वीरें अब सामने आने लगी। जो अहम मंत्रालय है देखिए उसमें बिल्कुल ना के बराबर बदलाव किया गया है, जिसमें एक नया चेहरा आप देख रहे हैं वो भी इसमें शामिल किया गया है, लेकिन आप देखिए सड़क परिवहन मंत्रालय जो है नितिन गडकरी जी के पास में ही रखा गया है क्योंकि बड़ी संख्या में आपने देखा रोड पर काफी काम हुआ, हाईवे पर काफी काम हुआ, उनके काम की हमेशा से प्रशंसा की जाती रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो अब सामने आने लगी हैं और लगभग लगभग आपको वही चेहरे नजर आएंगे जो पीएम जो तस्वीर आपको 2019 से 2024 के बीच की देखने को मिली थी, लगभग लगभग वही चेहरे जो है टॉप की जो मिनिस्ट्रीज है केंद्रीय मंत्रालय जो है वो उनके पास है। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही जिस तरीके से जानकारी मिल रही थी कि जेडीयू जो है वो रेल मंत्रालय की मांग कर रही है या इस पर अड़ी हुई है, लेकिन देखिए ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, रेल मंत्रालय यहाँ पर मिला है अश्विनी वैष्णव को ही और पिछली बार भी वही संभाल रहे थे। जी हाँ बिल्कुल, और जो रेल मंत्रालय है उसकी मांग जो है लगातार उठती रही है, ये कभी लगातार हमारे पास आ रही थी कि रेल मंत्रालय जो है जेडीयू के पास जा सकता है और ललन सिंह के पास जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ा सा समय और लगेगा क्योंकि पिक्चर थोड़ी सी क्लियरिटी यहाँ पे अश्विनी वैष्णव को लेकर के होनी है, जिसमें ये माना जा रहा है कि रेल मंत्रालय उनके पास रहेगा, सूचना प्रसारण मंत्रालय और उनके पास रहेगा, दोनों पोर्टफोलियो उनके पास रहेंगे या नहीं, लेकिन ये लगभग लगभग क्लियर है कि अश्विनी वैष्णव के पास रेल मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय दोनों उनके पास रहने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फिर से एक बार बता देता हूं दर्शकों को, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री, जीतन राम मांझी एमएसएमई मंत्री, अश्विनी वैष्णव शिक्षा प्रसारण मंत्री और क्लियरिटी होगी रेल मंत्री के तौर पर उनको, मनोहर लाल खट्टर जो है ऊर्जा मंत्री के तौर पर होंगे, मनोहर लाल खट्टर को बड़ी जिम्मेदारी इस तरह से दी है, पहले आरके सिंह यहाँ पे ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे लेकिन इस बार मनोहर लाल खट्टर को ये जिम्मेदारी दी गई है, पहली बार वो केंद्र में आए और उसमें पावर मिनिस्ट्री उनको दी गई, हर्ष मल्होत्रा जो कि दिल्ली से जीत के आए हैं सांसद रहे उनको सड़क परिवहन का राज्य मंत्री का दर्जा जो है उनको दिया गया है। तो ये सारी क्लैरिटी अभी हो चुकी है लगभग लगभग, आप देखिए राज्य मंत्री कितने किसके साथ दिए जाते हैं, कैबिनेट मंत्री के साथ एक से दो एमओएस भी शामिल होते हैं, उस पर भी अब क्लैरिटी होगी। ये टॉप के मंत्रालय हैं जिन पर लगभग पिक्चर क्लियर है, लगभग आपको बताएं 90% से ज्यादा जो है मंत्रालय को रिपीट किया गया है, जो पहले भूमिका निभा रहे थे वो रिपीट किया गया। और एक बात और बता दूं कि जैसे अभी एक खबर आई हमारे पास कि खेल मंत्रालय में चिराग पासवान को दिया गया है, बड़ी खबर है इस समय की खेल मंत्रालय जो है वो चिराग पासवान के पास है, ऐसा क्षण की खबर जो है न्यूज स्टेशन पे आ रही है। और लगातार जो है डिटेल्स लगातार जेपी नड्डा जो है हेल्थ मिनिस्टर, इससे पहले भी वो हेल्थ मिनिस्टर रहे, ये भी बड़ी खबर है कि जेपी नड्डा को हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो दी गई है। तो अब देखिए धीरे धीरे पिक्चर एकदम क्लियर होने लगी है, साफ होने लगी है कि किसको क्या मंत्रालय दिया गया, और ये बात पहले से लगभग लगभग मानी जा रही थी कि रिपीटिशन जो है आमिर, ये शिवराज सिंह चौहान की बात अगर की जाए तो उन्हें शायद दो मंत्रालय दिए गए हैं, कृषि एवं किसान कल्याण।